तो ये क्या कह रहे, किस खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है? कौन है वो? मेजर ध्यानचंद। कौन? मेजर ध्यानचंद क्या है, हॉकी का जादूगर कहा जाता है। जब ये हॉकी खेलता था तो कहा जाता है कि इसके हॉकी में लगता है कि चुंबक लगा हुआ है कि नहीं, ऐसा खेलता था ये। बहुत सारे जो था खिलाड़ी, इसको हॉकी को मतलब क्या करके देखता था, स्टिक को, जो स्टिक छड़ी था उसको देखता था कि कहीं इसमें चुंबक तो लगा हुआ नहीं, लेकिन ये ऐसा खेलता ही था, इसलिए इसको क्या कहा गया, हॉकी का जादूगर कहा है कि नहीं। एक बार हिटलर तक, हाँ एक बार हिटलर जा, तो हिटलर जो तनाशाही था, हिटलर एक बार उसको बुलाया कि मेरे देश से क्या करो, मेरे देश की तरफ से क्या करो, खेलो। लेकिन इसने क्या कर दिया, मना कर दिया कि मैं खेलूंगा तो मैं केवल किससे, भारत से ही खेलूंगा, क्योंकि ये भारत का था, समझ गए। दादा के नाम से किसे जाना जाता है, दादा है कि नहीं, दादा भी कौन है, मेजर ध्यानचंद है कि नहीं, मेजर ध्यानचंद। किस खिलाड़ी से, कौन खेल खेलता, ये खेलता था हॉकी खेलता था। फुटबॉल में ब्लैक पर्ल, पर्ल मतलब, पर्ल मन क्या जी, मोती, पर्ल मतलब मोती, ब्लैक पर्ल काला मोती। फुटबॉल में ब्लैक पर्ल के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो कौन है, पेले। लेकिन पेले क्या, ये फुटबॉल का एक खिलाड़ी है जिसको ब्लैक पर्ल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे चलो, उरन पड़ी है कि नहीं, उरन पड़ी है कि नहीं, उरन पड़ी किसे कहा जाता है, वो कौन है, पीटी उषा। पीटी उषा क्या था, पीटी उषा एक एथलीट था, क्या था, सॉरी एथलीट थी, एथलीट मतलब मतलब धावक, दौड़ने में ये आगे दौड़ता था, ये है कि नहीं, पीटी उषा। वो कहाँ का, ये भारत का ही, भारत में कौन जगह, केरल का, कहाँ का, केरल का, पीटी उषा। तुम बोलो नहीं बीच में, सुनो खाली। रावलपिंडी एक्सप्रेस किसे कहते हैं, रावलपिंडी एक्सप्रेस किसे कहते हैं, तो कौन है वो, शोएब अख्तर, ये है कि नहीं, ये कौन है, शोएब अख्तर। ये कहाँ का है, ये आपका पाकिस्तान का, ये पाकिस्तान का खिलाड़ी था क्रिकेट का, किसका, क्रिकेट का खिलाड़ी था, मतलब खेलता था, अभी नहीं खेलता है, सीनियर ऑस्ट्रेलिया खेलता था। ये इसका जन्म हुआ था कहाँ में, रावलपिंडी, एक जगह है पाकिस्तान में, वहीं जन्म हुआ था, इसलिए इसको नाम रखा गया रावलपिंडी एक्सप्रेस। ये अपने ज़माने में बहुत बहुत फास्ट, बहुत तेज गेंदबाज था, है कि नहीं, बहुत तेज गेंदबाज था। आगे चलो, क्रिकेट खिलाड़ियों के मध्य हॉलीवुड के नाम से प्रसिद्ध है, मतलब कौन सा खिलाड़ी को हॉलीवुड के नाम से जाना जाता है, कौन है वो, शेन वार्न। कौन, शेन वार्न है कि नहीं, जो हॉलीवुड के नाम से जाना जाता है, बहुत अच्छा खिलाड़ी था ये। डांसिंग अंपायर, डांसिंग अंपायर के नाम से जाना जाता है, डांसिंग, वो कौन है, बिली बाउडन, बिली बाउडन। ये शुरुआत के दिनों में क्रिकेट खेलता था, क्या खेलता था, क्रिकेट, लेकिन कुछ इसके मतलब दिक्कत होने के कारण, शरीर में कुछ दिक्कत होने के कारण बाद में क्या करने लगा, ये एम्पायर करने लगा। और एम्पायर जब ये करता था ना, तो इसको अलग स्टाइल था, लेकिन जिस पर टीचर का पढ़ाने का अलग स्टाइल होता है, उस पर एम्पायर जो करता था, इसका जो इशारा करता था कुछ, है कि नहीं, तो अलग, वो अपने अलग इशारे से, अपने अलग स्टाइल से ये इशारा करता कि ऐसे आउट, ऐसे है नहीं, तो इसलिए ये डांसिंग मतलब डांसिंग के साथ करता है इसे, इसलिए इसका नाम रखा गया बिली डाउन, मतलब ये डांसिंग एम्पायर। बॉम्बे बॉम्बर, ये तो प्रसिद्ध है पूरा दुनिया में, बॉम्बे बॉम्बर किस खिलाड़ी को कहा जाता है, कौन है वो, सचिन तेंदुलकर को, है कि नहीं। बॉम्बे, जब सचिन तेंदुलकर खेलता था ना, उस समय मुंबई, अभी मुंबई है ना, उस समय मुंबई को क्या कहा जाता था, बॉम्बे कहा जाता था। अभी मुंबई है ना, तो मुंबई का पहले जो नाम था वो क्या था, बॉम्बे, क्या था, बॉम्बे, बाद में चेंज होकर अभी क्या हो गया, मुंबई हो गया, तो कौन था, सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को ही क्या कहा था, और क्रिकेट का, क्रिकेट का भगवान भी कहा जाता है, लेकिन इसे जन्म कहाँ होता है, भारत में, भारत में कौन जगह, महाराष्ट्र में, कहाँ, महाराष्ट्र में। चलो, लिटिल मास्टर है कि नहीं, लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है, कौन, सुनील गावस्कर। कौन, सुनील गावस्कर। बड़े बड़े खिलाड़ी जैसे सचिन तेंदुलकर हुआ, ये सब खिलाड़ी इसको क्या मानता है, अपना आइडियल मानते, क्या मानता है, आइडियल मतलब गुरु मानते हैं, सुनील गावस्कर बहुत बड़ा खिलाड़ी था। आगे चलो, द वॉल, वॉल मतलब दीवार, द वॉल किस भारतीय खिलाड़ी को जाना जाता है, कौन है वो, राहुल द्रविड़ है कि नहीं। ये अपना फील्डिंग जब करता था ना, बहुत अच्छा से करता था, इसलिए राहुल द्रविड़ को क्या कहते हैं, द वॉल कहा था। ये जितना भी क्वेश्चन है ना आपका, सब एग्जाम में एकदम एसएससी पूछा हुआ है, और पूछ भी सकता है, पूछता ही है, हर साल लगभग पूछता ही सब। स्पिन गेंदबाज, स्पिन गेंदबाज अनिल कुंबले का उपनाम क्या है, उपनाम मतलब जानते हो, मतलब दूसरा नाम, उपनाम दूसरा नाम, तो क्या है उसका, जंबो, लेकिन नहीं, अनिल कुंबले क्या है, एक स्पिन खिलाड़ी था, कहाँ का, भारत का। टर्बिनेटर, टर्बिनेटर के नाम से जाने जाते हैं, कौन, हरभजन सिंह, ये भी एक स्पिन प्लेयर था, क्रिकेट का बॉल गेंदबाज था, ये अपने जमाने में भी बहुत अच्छा बॉलर था, है कि नहीं। इसको हरभजन सिंह को क्या कहता है, और भज्जी भी कहता है, क्या कहता है, भज्जी। चलो,
मिल्खा सिंह, मिल्खा सिंह को किस नाम से जाना जाता है? मिल्खा सिंह तो क्या कहता है, द फ्लाइंग सिख, क्या द फ्लाइंग सिख, फ्लाइंग मतलब उड़ना। ये क्या था, एक धावक था, एथलीट था, मतलब ये क्या करता था, दौड़ता था, लेकिन नहीं दौड़ता था एकदम धावक। ब्लेड रनर, ब्लेड रनर किसे जाना जाता है? ब्लेड रनर वो सर हम ऑस्कर कार्ल पिस्टोरियास, ऑस्कर कार्ल पिस्टोरियास, लेकिन कौन हरियाणा हरिकेन के नाम से प्रसिद्ध है? ये तो जानते होंगे सब, हरियाणा हरिकेन किसको कहते हैं? कपिल देव को हरियाणा हरिकेन कहते हैं। कपिल देव के ही कप्तानी में, कप्तानी में 1983 में, कब 1983 में हमारा देश भारत फर्स्ट वनडे जीता था, है कि नहीं? 1983 में जो अभी चलता ना वनडे T20 जो है नहीं, तो पहला जो वनडे जीता था वो कौन कप्तान था? कपिल देव था। कब जीता था? 1983 में, है कि नहीं? दूसरा वर्ड कब जीता था मैच हम लोग का वनडे? 2000 धोनी के कप्तान में। आशा करते कि आप लोगों के साथ समझ में आया होगा, है कि नहीं?